स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कनेक्टर रिक्रूटमेंट के बारे में। काफ़ी बड़ी खबर आई है, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा। आपको ज्ञात होगा कि कनेक्टर की जो भर्ती थी उसकी तिथि भी निर्धारित हो चुकी थी। ये परीक्षा 19 मार्च 2020 को निर्धारित होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण ये परीक्षा स्थगित कर दी गई है। और आपके मन में भी एक प्रश्न होगा कि आखिर ये परीक्षा अब कब आयोजित होगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। कितने लोगों ने आवेदन किया है, कब तक ये परीक्षा हो सकती है, और कितने रिजेक्शन हुई है, रिजेक्शन का कारण क्या है, और आप रिजेक्शन से कैसे बच सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारी वेबसाइट पर जाएं elastudyco.in पर। इस वेबसाइट पर HRTC कनेक्टर वर्ष 2009, 2013, 2014, 2016, 2017 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके PDF की फॉर्म में आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इनसे पढ़ने से आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलने वाला है, क्योंकि इससे आपके दिमाग में एक विजन बनेगा कि इस परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह की चीज़ों का कितना वेटेज है, इंग्लिश, हिंदी, GK, मैथमेटिक्स, किस लेवल के प्रश्न इसमें आते हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट की स्कीम्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सारा विजन आपका इन ओल्ड क्वेश्चन पेपर से ही बन पाएगा। तो आप देरी ना करें, जल्दी से हमारी वेबसाइट elastudyco.in पे जाएं, और ये सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में है। जैसे आप ऑर्डर करेंगे, आप elastudy वेबसाइट पे जो आपका अकाउंट बना है वहाँ से या ईमेल के माध्यम से आप इस किताब को प्राप्त कर सकते हो। आइए आपको बता दें कि इस परीक्षा के लिए 65,000 लोगों ने आवेदन किया है। तो आप इससे कंपटीशन का मतलब तो समझ गए होंगे, इतनी आसान रहा नहीं है इस परीक्षा को क्वालिफाई करना। आपको तन मन धन से जुटना पड़ेगा, तभी आप परिवहन निगम में कनेक्टर बन सकते हैं। और देखिए, 6,949 कैंडिडेट्स के जो आवेदन है वो रद्द करने की यहाँ पे खबरें पुष्ट हुई है। इसमें क्या कहा गया, रद्द करने का कारण है, बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फीस ही पे नहीं की है, तो बोर्ड ने उनको मौका दिया है कि हो सकता है कोरोना वायरस के कारण आपने फीस पे कर दी हो, रिसिप्ट आप बोर्ड को भेजना भूल गए हो, या किस तरह की कोई त्रुटि हो गई है, तो आपने क्या करना है। इस समस्या के समाधान के लिए आपने हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे जाके आपने, यदि आपने फीस पे कर दी है और आप रिजेक्शन लिस्ट में हो, तो आपने उनको उसकी रसीद देनी है। बस इतना काम आपका है, आपको वहाँ पे फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना वायरस है, घर से बाहर नहीं निकलिएगा, तो आप टेलीफोन के माध्यम से ही उन तक सूचना पहुँचा सकते हैं कि इस तरह का मैं कैंडिडेट्स हूँ, इस ID के तहत मैंने अप्लाई किया हुआ है और मैंने फ़ीस पे की है, तो काइंडली आप मेरे जो रिजेक्शन है उसको आप अस्वीकृत करें। बस आपको इतना करना है। और अगली सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि परीक्षा कब तक होगी, तो स्टूडेंट्स ये कोई भी नहीं जानता कि परीक्षा कब तक होगी। जब तक कि कोरोना वायरस से ये हमारा प्रदेश, देश या पूरी दुनिया नहीं निपट लेती, निश्चित तौर से आप लोगों को और भी समय मिल चुका है। देरी ना करें, तन मन धन से अपने घर के अंदर रह के अपनी पढ़ाई करें, तो आपको सरकारी नौकरी डेफिनेटली मिल सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इसके लिए और भी किताबें हमारे प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन काफ़ी बेहतरीन किताब है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, केंद्र का भी सम्मिलित किया गया है, एक ही किताब में डाला गया है। इसके अलावा भी भिन्न भिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री हमारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप इसका लाभ भी जरूर उठाइएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग elastudy YouTube चैनल।